सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जी श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरण नगद भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमें भगवत शरण मिल जाए तो हमारे जीवन में सर्वप्रथम मन की शांति, प्रेम, आनंद निश्चित रूप से मिल जाती है। इसके साथ ही अनन्य भगवत कृपाएँ भी प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए अनिवार्य और आवश्यक होती हैं। परंतु हम सभी को भगवत शरण मिल पाना अति दुष्कर होता है, क्योंकि हमारे भीतर उस ज्ञान का अभाव होता है, उस स्थिति का अभाव होता है जो भगवत शरण पाने के लिए अति आवश्यक है। अतः मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रयास करूँगा जो आमतौर पर समर्पण शरणागति का नाम सुनकर हमारे मानसिक पटेल पर तैरने लगते हैं। बहुत से भाई बहन समझते हैं कि शरणागति का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की पूजा में ही लग जाना शरणागति है। भले ही हम चापलूसी पसंद करते हों, परंतु श्री भगवान इन दुर्गुणों से परे हैं। श्री भगवान तो केवल प्रेम और समर्पण भाव के ही भूखे हैं। वास्तव में समर्पण एक भावना है जिसमें अपने संपूर्ण अहम, अहंकार और कामनाओं को परमात्मा को अर्पण करना होता है। प्रश्न नंबर एक, क्या हमारे जीवन में सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है? उत्तर है नहीं। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। जब तक हम अपने अहम, अहंकार से जुड़े हुए रहकर अपने कर्म करते हैं, तब तक श्री भगवान कुछ नहीं करते हैं। परंतु जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अपने जीवन नैया की पतवार प्रभु को सौंप देते हैं, तो वहीं से प्रभु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं। फिर वही होता है जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, वही होता है जो श्री भगवान चाहते हैं। प्रश्न नंबर दो, इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे पंथ मजहब हैं, आखिर हम किसकी शरण में जाएं? उत्तर है इसका, सबका मालिक एक है। भगवान की शरणागति पाने के लिए आवश्यक है अपना संपूर्ण अहम, अहंकार परमात्मा को सौंप देना। जगदीश्वर हमारे ज्ञान और बुद्धि से परे हैं, ऐसा भागवत गीता में भी बताया है। जिन्हें ज्ञान के अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण भाव से ही कुछ हद तक जाना जा सकता है और पाया जा सकता है। अतः समर्पण की प्रार्थना पूर्ण अज्ञानी अबोध बालक की भांति निष्पक्ष भाव से ही करना उत्तम और सफलतादायक है। मैं जानता हूं कि आप अपने आराध्य से कितना प्रेम करते हैं। आपको डर लगेगा कि कहीं मेरे प्रभु मुझसे रूठ न जाए, परंतु जब आपको यह ज्ञात होगा कि मेरे आराध्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण देवी देवता, समस्त जीव जगत एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं, तो आपके भीतर सारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। ऐसा केवल भगवत कृपा से ही, भगवान की शरणागति से ही संभव है। प्रश्न नंबर तीन, क्या समर्पण शरणागति कोई पूजा अथवा साधना है? उत्तर है नहीं। समर्पण तो स्वयं को परमात्मा के प्रति अर्पण करने का एक विशुद्ध भाव मात्र है, जिसमें हम अपने ज्ञान बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव अर्थात अहंकार, अपनी संपूर्ण इच्छाएं, कामनाएं, अपने संपूर्ण कर्मों का कर्ता भाव परमात्मा को अर्पण करना होता है। यदि हमारी पूजा साधनाओं में समर्पण भाव का योग हो तो हमारी भक्ति विशुद्ध हो जाती है, जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जीवन भर शांति पाने के प्रयास में थक हार कर असंभव मान लेते हैं। क्या हमने कभी सोचा है इस संसार और हमारी रचना करने वाले जगत व्यापी जगदीश्वर के लिए क्या असंभव हो सकते हैं? आप एक बार दीन दयालु से शरण तो मांग कर देखिए, असंभव संभव हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वास्तव में सुख और दुख हमारे मन की माया का खेल है, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का परिणाम होता है। जब हमें भगवत शरण मिल जाती है तो हम अपने संपूर्ण प्रारब्ध को भोगते हुए भी सुख और दुख की माया से मुक्त हो जाते हैं।
यही परम शांति की अवस्था होती है। ऐसा भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। इसलिए यदि आपको मन की अस्थाई शांति पानी है, यदि आपको भगवत शरण पाना है, तो अपने जीवन में अस्थाई शांति प्रेम आनंद पाना है, तो एक दिन एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण करते हुए समर्पण की इस प्रार्थना को निष्पक्ष भाव से जरूर करें। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे विधाता, यह संसार आपको भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है। कोई अल्लाह कहता है तो कोई ईश्वर, कोई ईसा पुकारता है तो कोई वाहेगुरु, परंतु हे नाथ, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन रूपी नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समर्पण की इस प्रार्थना को निष्पक्ष भाव से ही करना। अतः समर्पण की प्रार्थना के लिए ज्ञान रहित अबोध बालक की भांति ही कीजिएगा। हमारे भीतर कुछ न कुछ और भी बातें होती हैं जो समर्पण सरल गति के लिए बाधक होती हैं, जिन्हें मैं अगले भाग में किसी अन्य वीडियो के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करूँगा। यदि आपके भी मन में कोई शंका अथवा कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि समर्पण सरल गति के कितने और क्या क्या लाभ होते हैं। इसी के साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और जन कल्याण हेतु शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।